हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस नेचुरल व्लॉग। तो देखिए हम लोग अभी कहाँ चले भैया? जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं ना, इनसे कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है भैया? ये ENT का प्रॉब्लम भैया का, थोड़ा ENT का प्रॉब्लम है। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, बेंगलोर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। नानसी, मैं और चुटकी पीछे बैठे हैं। हेलो हेलो, तो मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, कैसा हॉस्पिटल है, क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि आपको बहुत आगे जाकर काम आने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग चले अभी SDM, वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर भैया का 7 डे से ट्रीटमेंट चल रहा था, आज उनका लास्ट डे था हॉस्पिटल में। तो मैं सोच रही थी कि उन्हें जाकर थोड़ा व्लॉग बना दूँ, तो इसकी जानकारी भी आपको पूरा दे दूँ। तो चलिए देखते हैं। ये बेंगलोर से 35 किलोमीटर मैसूर रोड में है। तो जो लोग चाहते हैं उनका वहाँ ट्रीटमेंट जाकर, तो गूगल पर सर्च करिए, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो यहाँ क्या क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। उसका मोबाइल ये आ गया। आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंट्री हो रहा है। ये देखिए हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये बाहर का व्यू है, देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो अंदर जाके मैं कोशिश करूंगी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पर पार्किंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में, देखिए यहाँ पार्किंग हो रहा है। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, भैया निकल गए हैं, बहुत लेट हो गया था उनको। तो हम लोग थोड़ा अभी टिफ़िन कर लेंगे, भैया को अभी खाना अलाउड नहीं है, बिना खाकर उनका टेस्ट वगैरह होता है। तो नानसी भी यहाँ पर पानी पी रही हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। नानसी टायर्ड हो गई हो? नानसी टायर्ड नहीं हुई है, बहुत बोल रही है। तो ओके, मैं दिखाती हूँ कैंटीन का फैसिलिटी क्या है। जो लोग भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं यहाँ का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, रेटिंग बहुत ही अच्छा है। कौन खाने की क्या बंदी है? आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? सब कुछ भी बाकी नहीं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी है पार्किंग के लिए। दो बार रखा हमने। चलो चलो नानसी चलो। हम अभी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं भैया से थोड़ा मिलने, देखते हैं उनको मतलब कहाँ गए हैं। हाँ, एक्चुअली प्रोग्राम था कि पहले टिफिन करके जाएंगे, लेकिन सोचा कि पहले भैया से मिलते जाएं उसके बाद जाएंगे। ये देखिए अंदर का व्यू है हॉस्पिटल का। उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, भैया का ट्रीटमेंट फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में होता है। यहाँ सेक्शन वाइज एक रूम है, आप अपॉइंटमेंट के अनुसार जो जो आपका मतलब प्रॉब्लम है उसी अनुसार उसी रूम पे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अंदर का वीडियो अलाउ नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ, उन लोगों ने मना किया था करने के लिए। एक्चुअली हम भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये पर्सनल होता है, उनका ट्रीटमेंट भी पर्सनल होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। हम भैया के पास गए थे, भैया थोड़ा बिजी हैं उनका ट्रीटमेंट में, तो अभी थोड़ा खाना खाएंगे। नानसी को बहुत भूख लगी है, कॉलेज सब पता है। तो थोड़ा सा कैंटीन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए।
एक्चुअली क्या है ना, पिछली बार नानसी आई थी तो उनको सब पता है, इसीलिए वो हमको गाइड कर रहे थे। एक्चुअली उत्तम भाई भी आए थे, मैं ही सिर्फ नहीं आई थी, तो इसीलिए वो गाइड कर रहे थे। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, मेस ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर सबका दिया हुआ है। हाँ हाँ देखिए कॉलेज इस तरफ है, ये स्टाफ क्वार्टर है, बॉयज हॉस्टल ये, और ये गर्ल्स हॉस्टल। मेडिकल कॉलेज की तरफ है ये, कैंटीन आ गया है। देखिए खाएंगे थोड़ा, भैया के आने के बाद लंच करेंगे, तो चलिए मैं अंदर जाके दिखाती हूँ। आ गया हमारा टिफिन। हमसे खत्म नहीं, हमारा प्लेट खाली हो गया। अभी थोड़ा कॉफी पियेंगे। नहीं कर पा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी है, मैम से नहीं पी पाएंगे। पियोगे आप? देखते हैं। खाना मतलब बहुत ही टेस्टी था, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में था, ज़्यादा कुछ प्राइस उसका नहीं था। हम दो डोसा मंगाए थे और मैम से के लिए इडली मंगाए थे। तो अभी थोड़ा कॉफ़ी पी रहे हैं। वॉशिंग एरिया है, तबीयत खराब था, वो आइसक्रीम नहीं खा पाई, इसलिए थोड़ा झांक कर चले आ रही है। देखिए कैसे चल रही है। देखिए उसका स्पेस कितना अच्छा है, ये बनाना ट्रीज देखिए कितना अच्छे से हुआ है। वाव, हाँ टोटली डिफरेंट है। चलो चल रही है। यहाँ पर अंदर भैया गए हैं, जब पंचकर्मा जो होता है, जो ऑयल गिराते हैं एक ढाला में, वही सब होगा अंदर। मैम से यहाँ मोबाइल पे कार्टून देख रही है। देखिए भैया आ गए हैं, उनके बालों में और कानों में थोड़ा ऑयलिंग किया हुआ है, तो उसके बाद हम कैंटीन चले आए और लंच करने के लिए। तो यहाँ पर नानसी ने मंगाए हैं कर्ड राइस, और उत्तम ने कहा था कम्बो ये वाला, और भैया और मैंने मंगाए थे साउथ में। तो हम हमारे लंच को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही देर हो चुका था, तो देखिए यहाँ पर रास्ता नज़ारा कैसे अच्छा है। तो ये बहुत ही दूर चल रहा था, मतलब 35 अराउंड 40 किलोमीटर। तो जाते वक्त नानसी पीछे चली गई और उनका एक छोटा सा मिनी बेड हो गया, तो वहाँ पर बहुत ही एंजॉय करके मोबाइल देख रहे थे। यहाँ
यहाँ पर देखिए नैंसी और मैं थोड़ा मतलब मस्ती कर रहे थे, नैंसी भी थोड़ा बोर रहे थे, उनके साथ मैं खेलने के लिए थोड़ा सा उनको चेयर अप करने के लिए मैं भी उनके साथ खेली। तो देखिए बोलो कौन आया, गिर जाओगे एक रुको, हाँ देखे कौन आया है, पोस्टमैन आया है, चिट्ठी लाया है, ये देखिए बेंगलोर का ITC कंपनी। तो आप लोग को तो पता होगा ITC कितना बड़ा कंपनी है। तो ये भैया का सेकंड कंपनी था, ये वहाँ पर जॉब कर चुके हैं, तो भैया ने बताया इसलिए मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर लूँ। उल्टा देखेगी, उल्टा देखेगी वो, और रास्ता देखेगी क्या, उल्टा देखेगी, उल्टा देखती है हर, अरे हर हर कोई देख रहा है हमको इसीलिए। हम पहुंच गए किया सर्विस सेंटर, थोड़ा मतलब कार का थोड़ा सर्विस कराना था इसलिए। गाड़ी ट्रीटमेंट के लिए गया है और हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं, अभी लिफ्ट का इंतजार में हैं। मुझे तो काम नहीं हुआ, पहुंच गए हम घर। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नए वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।